यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अजय यादव, आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, अपना सही गेस का टॉपिक है कैप्चा कोड क्या होता है। बहुत तो आप लोगों ने देखा होगा, जब गूगल में कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं या कोई ऑनलाइन परचेस करते हैं तो वहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करने के लिए देता है। तो आपको आज आइडिया नहीं होगा कि कैप्चा कोड होता क्या है या आपको क्यों फिलअप करने के लिए दिया जाता है, इससे उस वेबसाइट को क्या फायदा होता है और क्या आपको कोई नुकसान हो सकता है। इन सब का सारा जो जवाब है, सारे डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको वीडियो ध्यान से पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि उसमें जो नॉलेज मिलेगा 100% प्योर और सही जानकारी मिलेगा और बहुत काम आने वाला है। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, आपको ले चलते हैं उस वीडियो की तरफ, अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, जो कैप्चा कोड जो है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि इसके पीछे का इतिहास, ये शुरू कैसे हुआ, क्यों किया गया, आपको डिटेल में समझना आएगा। इसके लिए आपको 2003 से पहले चलना होगा। क्यों? क्योंकि 2003 में इस सिस्टम को, कैप्चा कोड सिस्टम जो वेरिफिकेशन होता है, उसको लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया, कैसे लॉन्च किया गया था, क्या कारण था और क्या चीज है, वो चीज समझ में आएगा 2003 में जाने से पहले। देखिए 2003 में हम चल आ चुके हैं, 2003 में आने से पहले हम उससे पहले आए हैं। तो 2003 से पहले जितने भी वेबसाइट बनते थे, जितने भी वेबसाइट या जिस तरह का वेबसाइट था, उसमें वो काफी सिक्योर नहीं होता था, ठीक है, वो कमजोर था। तो हैकर लोग बहुत आसानी से उसको हैक कर लेते थे, कभी कभी उस पर अपना अटैक भी करते थे, जिससे उनका जो सिस्टम था, सर्वर था, क्रैश हो जाता था। तो इन चीज से बचने के लिए कुछ सिस्टम को लॉन्च किया गया, लेकिन उसे समझेंगे पहले ये सिस्टम को क्रैक कैसे करते थे और हैक कैसे करते थे, ये समझेंगे। हैक करने का मतलब कोई एथिकल हैकर है या कोई भी हैकर है, किसी वेबसाइट में जाकर के इजीली उसमें घुस करके उसको हैक करता था। और एक तरीका था, मान लेते एग्जांपल के लिए, कि उस समय अमेजन का कोई वेबसाइट था, एग्जांपल लेता हूँ, उस समय भी अमेजन का कोई वेबसाइट था 2003 से पहले, और उसका कोई कंपटीटर था, मतलब दुश्मन था, वो चाहता था कि उसका उन्नति ना हो, तो क्या करेगा। मान लेते मैं उसका कंपटीटर हूँ और अमेजन वेबसाइट का मैं दुश्मन हूँ, मैं चाहता हूँ वो उन्नति ना कर पाए, तो मैं किसी हैकर के पास जाऊंगा, वहां पे उसको बोलूंगा कि इसके वेबसाइट में क्रैश करवा दो। क्रैश मतलब कोई भी उसमें एक घंटा दो घंटा के लिए लॉगिन ना कर पाए, परचेस ना कर पाए, ऐसा कुछ कर दो। तो हैकर क्या करेगा, वो दो तरीका से उसको कर सकता है, या तो खुद मैनुअली बैठ के ये काम कर सकता है, या फिर एक स्क्रिप्ट रेडी करेगा, कोड सिस्टम में रहेगा, वो स्क्रिप्ट को चालू कर देगा, वो स्क्रिप्ट जब तक चालू रहेगा तब तक उसका सिस्टम, मतलब उसका सर्वर, उसका वेबसाइट अमेजन का क्रैश रहेगा, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सिस्टम था और आसानी से हो भी जा रहा था, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है आपको समझाते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे कोई वेबसाइट होता है, जब वेबसाइट डेवलप किया जाता है तो उसमें एक सिस्टम होता है लोड करने का, उसका सर्वर कितना फास्ट, एक साथ एक सेकंड में कितने लोगों को रिक्वेस्ट का रिप्लाई दे सकता है, ये सिस्टम होता है, एक लिमिट है, ठीक है। उसके अगर बाहर चल जाएगा तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई नाव है, नाव में अगर एक नाव का लिमिट है 10,000 लोगों को ले जा सकता है, अगर मैं 1,00,000 लोगों को उसमें बैठा दूं तो क्या नाव बचेगा, नहीं, डूब जाएगा, वो भी क्रैश हो जाएगा। सेम उसी तरह वेबसाइट भी होता है। एग्जाम्पल एक और लेता हूं, अब अच्छे समझ में आएगा। हमारा माइंड हमारा सर्वर है, ठीक है, माइंड सबसे मेन है। जब भी कोई सवाल अगला पूछता है तो हम उसका जवाब दे देते हैं फटाक से। क्यों, कैसे देते हैं, जब वो कुछ पूछा, कान के अंदर सुनाई दिया, कान से वो माइंड में गया, माइंड मुंह को रिप्लाई करेगा, मुंह सामने वाला को रिप्लाई कर देगा, इस तरह से प्रोसेस होता है। तो सेम इस तरह से वेबसाइट में भी काम करता है, ठीक है। तो वहां जो मेन है, माइंड है, वो सर्वर है, ठीक है। एक आदमी कोई पूछा हमसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, फटाक से बोलूंगा मेरा नाम अजय यादव है। लेकिन वही एक सेकंड के अंदर चार आदमी खड़ा हो जाए, चारों आदमी एक साथ क्वेश्चन पूछे अलग अलग, कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा आदमी पूछेगा तुम कहाँ रहते हो, तीसरा आदमी पूछेगा तुम क्या खा रहे हो, चौथा आदमी पूछेगा तुम क्या पढ़ते हो, अगर चारों एक साथ बोले, सुनाई तो देगा, अंदर भी जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा और सिस्टम हमारा क्रैश हो जाएगा। तो मैं एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस तरह से सर्वर जो होता है वो भी काम करता है वेबसाइट का। तो अगर मान लेते कोई वेबसाइट है, अमेजन का वेबसाइट है, उसका लिमिट है 1 सेकंड में 1,000 लोगों को हैंडल कर सकता है, और उसके जगह में 1,00,000 लोग अगर आ जाए, क्या हैंडल कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। तो रियल में ऐसा 1,00,000 लोग नहीं आता है। 1,00,000 लोग आने का मतलब एक आदमी एक मोबाइल से अगर अमेजन को यूज कर रहा है, एक यूजर कहलाएगा। उसी तरह 1,00,000 आदमी 1,00,000 मोबाइल में या कंप्यूटर में यूज कर रहा है, तो 1,00,000 यूजर कहलाएगा।
फिलहाल तो अमेजन का भी बहुत ज्यादा डेटाबेस बढ़ चुका है, उसका लिमिट पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर अमेजन का लिमिट है 1 सेकंड में 10,000 यूजर पर हैंडल कर सकता है, अगर उसके जगह 1,00,000 यूजर पर ट्रांसफर कर दिया जाए, रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाए, तो क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा, क्रैश हो जाएगा। तो इस तरह से पहले का जो वेबसाइट था वो और वीक होता था, कमजोर होता था और वो जल्दी क्रैश हो जाता था, ठीक है। कैसे? अब हैकर खुद मैनुअली क्रैश करेगा। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि अगर 1,00,000 रिक्वेस्ट भेजना है क्रैश करने के लिए, तो 1,00,000 आदमी चाहिए, 1,00,000 मोबाइल चाहिए, तब ना होगा। लेकिन नहीं, हैकर क्या करेगा, एकदम सिंपल तरीका निकालेगा, एक स्क्रिप्ट रेडी करेगा जिसको कोडिंग करेगा। स्क्रिप्ट में ये पावर होता है कि 1,00,000 लोग के बराबर वो रिक्वेस्ट को भेजेगा, ठीक है। वो स्क्रिप्ट जब रेडी कर देगा हैकर और वो प्रोसेस को चालू कर देगा, समझ लीजिए वो बोट है। स्क्रिप्ट को कंप्यूटर समझिए, सर्वर समझिए, बोट समझिए, या स्क्रिप्ट समझिए, जो समझना समझिए, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है हैकर के द्वारा। अगर वो मार दिया इंटर, वो प्रोसेस होता रहेगा लगातार, 1 सेकंड में 1,00,000 रिक्वेस्ट जाएगा, इस तरह से जाएगा, प्रोसेस होगा। तो अगला जो वेबसाइट है वो हैंग कर जाएगा और क्रैश हो जाएगा, इस तरह से क्रैश होता है। तो हैकर के पास जाने के बाद ये सुविधा होता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए एक दो अंग्रेज वैज्ञानिक बोल सकते हैं या नॉर्मल इंसान बोल सकते हैं, वो लोग थे, उन लोगों ने इस कैप्चा कोड का आविष्कार किया। इस कैप्चा कोड के आविष्कार करने का कारण यह था कि उस जो प्रोसेस था हैकिंग को बचाया जा सके, प्लस जो एक बार में जो अटैक हो रहा है 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 जो सर्वर में क्रैश हो रहा है उसको बचाना था। तो इन लोगों ने एक सिस्टम फॉलो किया, ये सोचा, उन लोगों को पता चल गया कि ये ह्यूमन इतना नहीं हो सकता, मनुष्य इतना नहीं कर सकता, जरूर ये कंप्यूटर सिस्टम में जनरेट किया गया कोई हैकर के द्वारा और हो रहा। तो इसको रोकने का क्या उपाय था? उन लोगों ने कैप्चा कोड का सिस्टम शुरू किया। इसके लिए क्या किया? एक एडवांस कंप्यूटर रेडी किया। एडवांस कंप्यूटर में रेडी करने के बाद दुनिया में जितने भी लगभग पॉपुलर किताब है, बुक्स है, उसके अंदर जितना कुछ भी लिखा हुआ, उन सबको स्कैन करके उस कंप्यूटर के अंदर घुसाया। उसके बाद कंप्यूटर का टेस्ट लिया गया और पूछा गया कि क्या क्या चीज उसको समझ में आ रहा है। तो जब कंप्यूटर मैनुअली आदमी नहीं है लेकिन उसका आउटपुट निकलेगा, जब आउटपुट निकला तो पता चला कि वो सिस्टम क्या है, वो बहुत से 95% चीजों को समझ जा रहा है, और कुछ 5% ऐसे चीजें हैं जो कोड है, हैश में है या फोटो का फॉर्म में है, उसको समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ से उन लोगों को आइडिया मिला कि जब एडवांस कंप्यूटर इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है, तो इन चीजों को ही कुछ तरीका से इस्तेमाल किया जाए, और जब नेक्स्ट टाइम जब वेबसाइट में आएगा तो वेबसाइट में पहले ही इसको शो कर देंगे, तो इसको जो पास करके आगे बढ़ेगा वो मनुष्य होगा, और जो पास नहीं कर पाएगा वो कंप्यूटर होगा। तो इस बेसिक से इस कैप्चा कोड का इस्तेमाल किया, जिसमें अभी आपने देखा होगा अल्फाबेट होता है, मतलब एसीडी का 6 होता है, कुछ नंबर होता है, 13 मेगा लिखा आता है, छोटा बड़ा लिखा आता है, जिसे मनुष्य तो समझ जाता है, लेकिन कंप्यूटर या फिर बोट या फिर रोबोट या फिर स्क्रिप्ट उसको समझ नहीं पाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। जब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो प्रोसेस होगा ही नहीं, सिस्टम हैक होगा ही नहीं, सिस्टम क्रैश होगा ही नहीं। इस तरह से प्रोसेस का चालू किया, सिस्टम चालू हुआ और ये अच्छा खासा चल भी रहा था और अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। लेकिन समय के हिसाब से लोगों में ये प्रॉब्लम होने लगा कि पहले क्या था, 2003 से पहले ये कैप्चा कोड फिलअप नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अभी क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम आ गया 2003 के बाद, तो बार बार जब भी कोई वेबसाइट में विजिट करता था, कोई भी वेबसाइट में, तो ये कैप्चा कोड सामने आता था, आई एम नॉट रोबोट वाला आता था। मतलब ये साबित करना होगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा कि आप रोबोट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो सक्सेस रेट है, मनुष्य 80% इसको पार कर लेता है और रोबोट 0.01% है, मतलब एक भी नहीं। अगर 100 आदमी को खड़ा किया जाए और 100 रोबोट को खड़ा किया जाए, दोनों से सेम चीज को ये कोड पूछा जाए, तो 80 लोग आसानी से जवाब दे देंगे सही सही, 20 लोग फेल हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर या फिर रोबोट या फिर स्क्रिप्ट एक भी जवाब नहीं दे पाएगा। मतलब ये कोड में इतना पावर था कि मनुष्य को तो पास कर देगा, रोबोट को पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये था, तो अभी जो सिस्टम है 2003 के बाद फिर शुरू हो गया कि ये सब जगह कोड आने लगा। जब भी कोई वेबसाइट विजिट करता था तो ये कोड आता था, पहले उस कोड को वेरीफाई करके तब आगे बढ़ना पड़ता। ये लेंदी प्रोसेस था और लोगों को इरिटेशन होने लगा, तो इसका लाभ उठाया थर्ड पार्टी कंपनी। उन लोगों ने क्या किया, थर्ड पार्टी कंपनी ने नया लॉन्च कर दिया कि वो लोग क्या किया, मनुष्य के दूसरे के बदले में अपना कैप्चा कोड फिलअप करने लगे, उसके बदले में पैसा लेने लगा। तो लोगों को भी अच्छा लगने लगा कि मेरा टाइम बचेगा, हरेसमेंट नहीं होगा, कोड फिलअप करने का काम उन लोगों को दे दिया। जब भी कोई वेबसाइट विजिट करता उससे पहले कोड उस कंपनी को दे देता, वो फिलअप करके वापस इसको ट्रांसफर कर देता और ये आसानी से इसको चला पा रहा था, कोड भरने का झंझट नहीं था, क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट खोलता हर वेबसाइट में ये मिलता था। तो इस तरह से चलते गया। तो 2009 में गूगल को लगा कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाए, तो गूगल ने क्या किया, 2009 में ही इसको परचेज कर लिया। जो कैप्चा कोड को बनाया था, सबसे पहले लॉन्च किया था, उसी कंपनी को पूरा गोटा परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद अपने हिसाब से उसको रीडिजाइन किया, मतलब उसके बाद कोड के बाद क्या आने लगा, फोटो आने लगा। आपने देखा होगा कि 9 पिक्चर दिखाई जाता है स्क्रीन पे, उसमें हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, मान लीजिए साइकिल लिख दिया तो साइकिल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमको नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सब सही जवाब आपने दिया है तो आगे बढ़िएगा, सही जवाब नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान ये काफी एडवांस फीचर था,
अच्छा काम भी किया। अच्छा काम करने के बाद क्या हुआ, एक काम अच्छा करने के साथ साथ जो धंधा था जिनका थर्ड पार्टी का, जो सिस्टम लॉन्च किया था कैप्चा कोड फिलअप करने का, जॉब रेडी किया था, वो सबका धंधा मंदा हो गया, क्योंकि ये फोटो वाला और इजी प्रोसेस था। अब 80-90% लोग आसानी से इसको फिलअप कर पाए थे, लेकिन रोबोट अभी भी इसको फिलअप नहीं कर पाता था और रोबोट यहीं पे अटक जा रहा था। ठीक है, उसके बाद और प्रोसेस को बढ़ाया गया और सबसे आसान तरीका खोजा गया कि एक चेक बॉक्स में लिखा रहेगा आई एम नॉट रोबोट, बस उसको टिक मारना है, क्लिक करना है, बस उससे वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप मनुष्य हैं कि रोबोट है। ठीक है, तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि टिक मारने वाला सिस्टम तो कोई भी कर सकता है, कोई भी प्रोसेस चालू कर देगा, कोड रेडी कर देगा, लिख करके वहां टिक मारा जाएगा, या कोई मनुष्य टिक मारता है, या रोबोट टिक मारता है, या कंप्यूटर जनरेटर टिक मार रहा है, कैसे पता चलेगा सिस्टम को? तो सिस्टम को पता चल जाएगा क्योंकि कंप्यूटर हो मोबाइल हो, जहां लोग स्क्रीन टच या टिक मारने काम करते हैं उसमें सेंसर लगा रहता है, सेंसर से पता चल जाता है कि स्क्रीन का वैल्यू पता चलता है, प्लस आपका लोकेशन, आप कितना देर से डिवाइस को यूज करें, सारा इंफॉर्मेशन जो फोन का है वो गूगल के सर्वर में चल जाता है, उस वेबसाइट के पास चल जाता है, वहां से वेरीफाई होने पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन रोबोट सिस्टम अगर करेगा, अगर स्क्रिप्ट सिस्टम से ये टिक मारेगा, स्क्रिप्ट सिस्टम से पता चल जाएगा, रोबोट सिस्टम से भी पता चल जाएगा, तो यहाँ पर भी मनुष्य आगे बढ़ गया 99% या फिर 100% बोलिए पास हो जाता है, और 0% जो रोबोट सिस्टम है वो फेल हो जाता है। तो ये कैप्चा जो कोड होता है इस तरह से काम करता है, इस तरह से डेवलप हुआ था। इस कैप्चा कोड को हम लोग कोई वेरिफिकेशन नहीं बोल सकते, ये ट्यूरिंग टेस्ट है। ट्यूरिंग टेस्ट इसी को बोलते हैं जो कंप्यूटर या फिर रोबोट या फिर स्क्रिप्ट के और मनुष्य के बीच में डिफरेंस पता करता है, ऐसा टेस्ट जो मनुष्य पास कर सकता है सिर्फ, और कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या फिर कोई डिजिटल डिवाइस हो, या फिर कोई बोट हो, रोबोट हो, या फिर कुछ भी हो, वो पास नहीं कर सकता मनुष्य के अलावा, तो उसी को बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट, और यही ट्यूरिंग टेस्ट है। तब तक ले बाय, जय हिंद, धन्यवाद।